हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं ये व्लॉग क्यों स्टार्ट कर रही हूँ वो मैं अभी नहीं बताने वाली हूँ, वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी मुझे लेट हो रहा है, अभी फटाफट अरिजीत निकल गया, मुझे भी फटाफट निकलना है। सो उसके पास जाके फिर मैं बताती हूँ मैंने आज का व्लॉग क्यों स्टार्ट किया और किस मतलब पर्पज से स्टार्ट हुआ है। सो लेट्स गेट इन द वीडियो। आ चुके हैं हम लोग, अभी निकल गए हैं, तो अभी जा रहे हैं मार्केट की तरफ और थोड़ा बहुत डेकोरेशंस भी करना है, तो वो भी व्लॉग में देखने को मिलेगा। और किसके लिए है डेकोरेशन वो मैं बाद में बताऊंगी, अभी तक मैंने बताया नहीं, तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। सेवेंथ ईयर कंप्लीट होने वाला है, सो हम लोग कल उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। छोटा मोटा करके सेलिब्रेशन होगा, तो उसी के लिए अभी मैं थोड़ा बहुत डेकोरेशन के लिए रेडी करके जाऊंगी, फिर कल करूंगी, नहीं तो कल उतना टाइम नहीं। अभी मिलते हैं काम खत्म करके, कि अभी बहुत काम है, अभी ऐसे निकलने वाली हूँ। डेकोरेशन थोड़ा वर्क कर लिया, बाकी कल आके करूंगी, अभी मार्केट जाना है, दीदी को भी कुछ सामान। हम लोग अभी मार्केट के लिए निकल गए हैं, कुछ कुछ सामान खरीदना है, तो पीछे दीदी और ये बैठा हुआ है, तो कुछ सामान लेना है। चलिए देखते हैं क्या क्या शॉपिंग करते हैं आज। बहुत ज्यादा खराब है मेरा, घर में जाके भी बहुत काम करना है, और ये तो जनाब सोके उठे, मिलते हैं घर में जाके, बाय बाय कर दो। ओके, गुड मॉर्निंग गाइस, अब बज रहे सुबह के 11, तो मैं कल कम्प्लीटली शूट करना भूल गई, और अभी हम लोग सब रेडी हो रहे हैं निकलने के लिए, दीदी के घर जाना है। सो मैं केक भी मेरा रेडी हो गया, सुबह मैंने रेडी किया, तो अभी सबको ये रेडी होके हम लोग निकलेंगे। केक मैं आप लोग को दिखाती हूँ, वेट। तो ये रहा केक, तो अभी अरिजीत का वेट हो रहा है, वो निकल चुका है, उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम लोग के इधर घूम के आना पड़ता है, तो वो आने के बाद ही हम लोग निकलेंगे। अभी सबको ये रेडी है, हाय कर दो पापा। मम्मी पहले ही निकल चुकी है और भाई भी रेडी हो रहा है, ये भी रेडी, तो निकलने के बाद अभी फिर वहाँ पे जाके डायरेक्ट शूट करूँगी, क्योंकि केक लेके जाना है, तो कार में बैठने के बाद मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, और अरिजीत भी ब्लॉग कर ही रहा है शायद, तो मिलते हैं वहाँ पे जाने के बाद। सो मैं अभी यहाँ पे आ चुकी हूँ दीदी के घर पे, अभी सब फिर से डेकोरेशन के काम पे लगना है मुझे, और मेरे सिस्टर भी आ रही है, कज़िन सिस्टर, वो मुझे हेल्प करेगी। सो आप लोग को क्या चल रहा है थोड़ा मैं दिखा देती हूँ, और हाँ और एक चीज़ दिखाना है, वेट। एक सुंदर सा ड्रीम कैचर, थैंक्स टू पोशालिस क्रिएशन, उन्होंने मुझे बहुत शॉर्ट टाइम में ये सुंदर सा ड्रीम कैचर बना के दिया, और ये रहा बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। मैंने ये थोड़ा बहुत करके गई थी मैं, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, अभी करना है सब, यहाँ पे सब बिजी हुए हैं,
ये रहा, ये कहा कहीं पे गया हुआ था। ऊपर में चल के देखते ऊपर में क्या चल रहा है। मेरे पापा और जीजू काम कर रहे हैं, सब बिजी। ऊपर में यहाँ पे बहुत मैस है, सो इग्नोर दिस। यहाँ पे छोटा मोटा सा खाने का जगह का अरेंजमेंट हुआ है। ये कुकिंग के लिए यहाँ से व्यू बहुत सुंदर है। ये रहा यहाँ का व्यू। बेड के नीचे कुछ इधर पड़ा हुआ है, सो भी ज़्यादा और नहीं दिखाती हूँ मैं एकदम सब कंप्लीट होने के बाद। या तो मैं लंच में मिलूँगी या तो सब डेकोरेशन हो जाने के बाद। सो ज़्यादा ही टायर्डनेस हो रहा है क्योंकि सुबह से नहीं, इनफैक्ट कल से काम चल ही रहा है कुछ ना कुछ। अभी तो कैमरा पकड़ने के लिए भी गाइस, सो कल और मुझे ब्लॉग करने का टाइम नहीं मिला। ब्लॉग एंड भी मैंने नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। ओके, सो कमेंट करके ज़रूर बताना ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। और बहुत ही जल्द नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ मैं मिलूँगी आप लोग के साथ। और अरिजीत का भी एक ब्लॉग आने वाला है, उसको भी चेकआउट करना, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन और आई बटन में। सो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अजीत के चैनल को भी सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन सब कुछ कर देना। और चलो बाय बाय, टेक केयर।